हल्द्वानी में दीपावली त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहा है और इसी क्रम में शनिवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान एक नमकीन और सोया से भरी हुई पिकअप को पकड़ा है। पकड़ने के बाद टीम ने जब नमकीन और सोया की जांच की तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग की कोई तारीख नहीं मिली और न ही एक्सपायरी डेट लिखी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरी पिकअप को सील कर लिया है। इसके तहत ही जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। अब तक 412 मामले एडीएम कोर्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा त्योहार के मद्देनजर अब तक 80 खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भी भेजे गए हैं, जिसमें से घी और पनीर के 5 नमूने फेल हुए हैं। उन 5ों पर क्रिमिनल एक्ट में कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जब दिवाली का त्यौहार आने पर मिलावट की आशंका बढ़ जाती है क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होती है, इसको देखते हुए इस बार प्रशासन ने बड़ा सख्त रवैया अपनाया है और इसमें प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय हमारे, इन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों के नेतृत्व में टीमें बनाई हुई हैं। इसके अलावा प्रशासन में शासन से भी हमारी जो अपर सचिव हैं अनुराधा पाल, वो भी फील्ड में आकर देख रही हैं। इसके अलावा पुलिस के लिए भी एडवाइजरी जारी हुई है। तो एक तरह से पुलिस प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग एक संयुक्त रूप से प्रभावी कार्यवाही लगातार कर रहे हैं और जहाँ तक हमारा विषय है, हम पिछले 3 महीने से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हमने पिछले 3 महीने में हमने पहले मसालों में एक सर्वे किया, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं सबसे नमूने लेकर हमने भेजे, जिसमें से कुछ नमूने हमारे फेल आए हैं, जो जिसमें कुछ हानिकारक चीज़ें मिली हैं, तो उसमें हम 5 क्रिमिनल केस फाइल कर रहे हैं।